जितना हम बखान करब कम होई। आज ऐतिहासिक शाम बा, इतना साल में पहली बार भोजपुरी में म्यूजिक अवार्ड हो रहा बा। भोजपुरी ने हम लोग को आज पहचान दिया है और आज वो मेहनत हम लोग को यहाँ पे पहुँचाया है और हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि फिल्मची म्यूजिक अवार्ड में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 60 साल हो गए और ये पहली बार ऐसा अवार्ड हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं फिल्मची को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, यशी फिल्म को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कदम उठाया है। और निश्चित रूप से जो विरासत, जो परंपरा हमारे भिखारी ठाकुर जी से लेके, हमारे महेंद्र मिश्र जी से लेके, शारदा सिन्हा जी से लेके, भरत शर्मा जी से लेके, मनोज तिवारी जी से लेके, पवन सिंह और खेसारी लाल, और ये जो क्रम चला आया यहाँ तक, उसको एक सम्मान देने का और निश्चित रूप से एक नया स्थान देने का ये प्रयास है, और इसके लिए मेरे हिसाब से ही बहुत खास है। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि ऐसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अवार्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशली एक म्यूज़िक अवार्ड शो भी एक होना चाहिए। अक्सर हम चर्चा करते थे आपस में, कुछ सिंगर्स, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और आज फाइनली इसको होते हुए, साकार होते हुए देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि अच्छे गाने को ज़रूर सम्मान मिलेगा। संगीत हमेशा से भोजपुरी की नींव रही है और भोजपुरी मुझे लगता है फिल्मों का जो आगाज़ हुआ होगा वो भी एक तरह से संगीत, हाँ संगीत के माध्यम से ही हुआ है। तो अब जाकर हमने संगीत को थोड़ा और एक लेवल, दो लेवल ऊपर करने का मन बनाया है। ये अपने आप में पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बार से जो मूवीज़ के लिए अवार्ड होते हैं, एक्टर्स को अवार्ड जाते हैं, एक्ट्रेसेस को अवार्ड जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो लोग एल्बम्स में काम करते हैं और भोजपुरी में इतना बड़ा गाना देने के बाद भी हमें वो जगह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली आज वो शाम है। तो जब बाकी अवार्ड्स हैं बाकी कला क्षेत्र के, तो भोजपुरी में क्यों नहीं? तो ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, फिल्मची म्यूज़िक अवार्ड जो भोजपुरी का स्टार्ट हुआ है और इस चैनल पे, फिल्मची भोजपुरी चैनल पे आएगा, तो ये एक अच्छी शुरुआत है और यहाँ के कलाकारों को और प्रोत्साहित होंगे, उनको और खुशी मिलेगी, और अच्छा काम करेंगे और मेहनत करेंगे ताकि उनको अवार्ड मिले। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये अवार्ड शो होता और हमारे सिंगर्स कम एक्टर्स को उनका ड्यू अवार्ड्स और ड्यू रिस्पेक्ट मिलती। सो आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा है भोजपुरी में। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रोथ ही करती आ रही है और मुझे लगता है कि चीज़ें अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है, इसलिए 60 साल पूरे होने के बाद हम फर्स्ट म्यूज़िक अवार्ड शो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हैं जो फिल्म तो कर रहे हैं, मूवी सॉन्ग्स तो कर रहे हैं, म्यूज़िक तो बना रहे हैं, बट उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और फिल्मची भोजपुरी ऐसा है कि उनके वजह से आज हम लोग को सम्मान मिल रहा है। अवार्ड शो में हम लोग को डांस परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। संगीत अपने आप में एक बहुत एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है, लेकिन फर्स्ट टाइम सैल्यूट है फिल्मची को कि संगीत को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंड भोजपुरी इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक है उसको एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री के, हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसको जितने भी कलाकारों ने प्रेजेंट किया है, कुणाल सर, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह, खेसारी जी, दिनेश लाल यादव एंड बहुत सारे और भी कलाकार, सारे लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये टेलीकास्ट होगा ना, डोंट वरी, आप लोग टीवी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। फिल्मन के लालची के एक ही बार ठिकाना, फिल्मची भोजपुरी। फिल्मची म्यूजिक अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टील एंड को पावर्ड बाय फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। काल देखी संध्या 6 बजे सिर्फ फिल्मची भोजपुरी पर।